जिसमें मिनिस्टर के बच्चे पढ़ते हैं, मिनिस्टर और यार एक्ट्रेसेस के बच्चे स्कूल पढ़ते है? हैं। ये देख रहे हो साथ में राइट हैंड साइड पे, हाँ। ये मेयो गर्ल्स स्कूल है जिसमें प्रियंका गांधी की बेटी अभी पढ़ रही है। अच्छा, इसमें ही है वो। तो ये हॉस्टल है यहाँ पे? हॉस्टल भी और स्कूल भी है, बट इनके नाम कॉलेज पढ़े हुए हैं। ये स्कूल है ये वाला सामने वाला? ये हाँ है स्कूल ये दोनों। अच्छा, और ये सामने ये क्या है? ये बता दो, मेयो कॉलेज। ये मयूर स्कूल है, मेयो कॉलेज। अच्छा, रुको जरा, सबर करो। इसकी सालाना शायद 9 लाख रुपए फीस है। अच्छा, अब होगी होगी, पहले तो 5.5 या 7 के आसपास थी। अरे मैंने सुना बहुत महंगे स्कूल्स में है। हाँ यार ले लो। भाई साहब, ये नज़ारा सिर्फ अजमेर में देखने को मिल सकता है। मेरी दुनिया में तूने आकर मेरी डैडी, आज तक मेरे पीछे ऐसी कोई लड़की नहीं पड़ी। बस ये मेरे पीछे पड़ी है, लेकिन कैसा लगा मेरा मजाक? हम पहुंच चुके हैं नारेली तीर, ये इसका मेन एंट्रेंस है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये फाउंटेन चलता है ये? बेला आपका डॉगी आ गया। डॉगी डी4 डॉगी, आप देखना चाह रहे थे ना डी4 डॉगी, बुला लो। वो पपी पपी कर रही है डॉगी। आओ 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 चलते नहीं। तो भाई पहुंच चुके हैं यहाँ, अंधेरा है। अच्छा, सामने से धूप इतनी तेज आ रही है ना, पूरा सूरज दिख रहा है। मुझे नहीं लगता कि कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है, क्योंकि रोशनी इतनी तेज है ना। वीडियो आते टाइम बना लेंगे। हाँ सही बात है, ये वाला देखो ऐसा जैसे मोर है, देखो जैसे मोर बैठा हुआ है ना। बहुत पॉजिटिविटी है। आप देख ही सकते हैं कितना शांत वातावरण है यहाँ का।
हमारे गाइड वो चल रहे हैं सामने। हेलो फ्रेंड्स, ये है नीरदुआ। हाय नहीं करोगे? स्वागत तो करो हमारा। आंखों की क्या तारीफ करूं, झील से गहरी दिखती है। रातों में मैं जब चांद देखूं, सूरत तेरी ही दिखती है। आंखों की क्या तारीफ करूं, झील से गहरी दिखती है। रातों में मैं जब चांद देखूं, सूरत तेरी ही दिखती है। मैं ना रहूं अब होश में। बेसिकली एक जैन मंदिर है। इसमें मैंने अपने धर्म के बारे में बताया हुआ है कि किस तरह से क्या क्या होता है। आप यहाँ का व्यू देख सकते हैं, कितना ब्यूटीफुल है। बेला बता दिए कि ये देखो ये क्या है, किस तरह पत्थर पे कारीगरी की गई है। कमाल है यार कारीगरी, क्या बनाया है इसको, है ना। स्ट्रक्चर बहुत, कितना टाइम लगा होगा? अच्छा क्या नक्काशी की गई है, एकदम क्लीन है, नीट एंड क्लीन बिल्कुल। ये टनल बन रहा है। ये एक टनल बन रहा है और देखना कितना बड़ा लग रहा है। जब
पिकनिक पर आते थे यहाँ, आज इतने साल हो गए उसकी काम चल रहा है, पूरा हुआ नहीं है काम। तो काफी बड़ा टनल है, क्या नाम है कुछ पता है इसका, इसके बारे में कुछ पता है हनेंद्र, कुछ पता है इसके बारे में क्या नाम है टनल का, कुछ ऐसा कुछ नहीं पता। अरे कहना क्या चाहते हो? बहुत टाइम बाद आया हूं और मैंने भी अभी देखा है कि हां ये यहां पे काम चल रहा है। आओ फर्श गरम है, पैर जल जाएंगे, रुको अभी हम ऊपर वहां पे भी जाएंगे क्या, उस उधर ऊपर भी जाएंगे कैसे, वो भी ना काम चल रहा है बना ही है, बट फिर भी चलेंगे अपन, ये रास्ता जा रहा है। तो गाइस अभी हमें ऊपर जाना है, वहाँ काफी दूर है। दीवारों पेंटिंग्स बनी हुई है, पत्थर पे है ना सारी। अभी काम चल रहा है और ये सारा नक्काशियों का ही काम चल रहा है। बेला ने यहाँ अपने फ्रेंड्स बना लिए। बेला सुनो, आपके वो फ्रेंड्स थे, आपके फ्रेंड्स थे वो। अरे डैडी क्या पूछ रहे हैं आपसे, इसको यहाँ इतना अच्छा लग रहा है। चलो चलते हैं उस पहाड़ पे, क्या हमें अभी और अंदर जाना है क्या भाई, बस यही है ना। नो बेला, डैडी भाग पकड़ो। उंगली पकड़ो, चलो। ये कैसी उंगली पकड़ी आपने मेरी, तो उसकी लर्निंग है, जब तो सीखेगी। बेला नो, अकेले नहीं जाना, टाइगर आ जाएगा, टाइगर अर्जुन गाड़ी आ जाओ आ जाओ आ जाओ, टाइगर आ जाएगा। आप अकेले घूम लोगे बेला, आप अकेले घूम लोगे, उतारो बोरी, उतार उतर उतर जाओ आप। अच्छा प्रार्थना सभा, बेला की मम्मी बेला को ले लिया, थक गई। अरे वाह, सुकून मिला, आंखों को सुकून मिला। बेला अकेले घूमेगी आज, पूरे अकेले घूम रही है वो।
ये मेन एंट्रेंस है ना इसका। धर्म भावना जांचे सुर तरु दे सुख चिंतन चिंता रेन बिन जांचे बिन चिंतन धर्म सफल सुख देना।